असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर निशाना साधा। ईद समारोह में शामिल होकर नमाज अदा करने पर हिमंत ने गोगोई को आड़े हाथों लिया। कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले कांग्रेस सांसद नमाज पढ़ रहे हैं, ये उनके धार्मिक ईमानदारी पर सवाल है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कांग्रेस नेता उदासीन थे, वो विरोध कर रहे थे और अब ईद में शामिल होकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये उत्साह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय उनमें क्यों नहीं था। केजरीवाल सरकार से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद ने आप पर फिर से जोरदार हमला बोला। राजकुमार आनंद ने कहा कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और चाहता तो दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकता था, लेकिन अपने पटेल नगर विधानसभा की जनता से पूछकर फैसला लूंगा। पटेल नगर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और अगर वो कहेंगे कि उन्हें मेरे जैसा विधायक नहीं चाहिए तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा कि वो झूठ और मक्कारी के साथ नहीं रह सकते। मुंबई में विकसित भारत कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों को धर्म अध्यात्म के साथ सियासी दक्षिणा दी। श्री श्री ने कहा कि लोगों को अपने अस्तित्व पर गर्व होना चाहिए, हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। और इसके साथ ही श्री श्री ने यह भी कहा कि आस्था को कोई मिटा नहीं सकता है, धर्म के प्रति श्रद्धा इस देश में हर व्यक्ति को है। आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री को हिंदू होने पर गर्व है, अब देश को गुलामी के भाव से बाहर आने की जरूरत है। यूपी के नोएडा में दिखा भीषण आग का तांडव, डिस्पोजल पेपर हाउस में गैस रिसाव की वजह से लगी भीषण आग। धीरे धीरे आग फैलती गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची आठ दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव से लगी आग की वजह से वेयर हाउस में रखा एक सिलेंडर फटा था, लेकिन हादसे में किसी भी जनहानि की कोई खबर नहीं है, जबकि घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के रामपुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगने से हड़कंप मचा। अज्ञात कारणों से लगी आग में 5 एम्बुलेंस बुरी तरह से जली। आग लगते ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में हादसे का शिकार हुई रोडवेज बस, ट्रक से बस टकराने से हादसा हुआ। हादसे में एक महिला की मौत, परिचालक समेत 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस कुशीनगर से दिल्ली जा रही थी, जो पास में खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसके बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, रफ्तार का ये कहर कोचरिया गांव के पास देखने को मिला, जहां एक डीएमसी गाड़ी ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें मौके पर ही एक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। एमपी के रीवा में खुले बोरवेल में फिर से बच्चे के ये खतरा बन गया। जनी थाना के मानिक गांव में बच्चा खेलता हुआ गहरे बोरवेल में गिर गया। बच्चे की उम्र 6 साल बताई जा रही है। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग रेस्क्यू दल को लेकर वहां पर पहुंचे। जेसीबी की मदद से बचाव कार्य जारी है। बोरवेल 60 फीट गहरा बताया जा रहा है, जिसमें से बच्चे को निकालने के लिए उसके बगल से गड्ढा खोदा जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जा सके। यूपी के सीतापुर में डॉक्टरों की पिटाई का मामला सामने आया है। मामला महमूदाबाद सीएचसी का है, जहां तैनात डॉक्टर नंदलाल गुप्ता के साथ मेडिकल स्टोर संचालक ने पहले बहस की, फिर जमकर पिटाई कर दी। और बताया जा रहा है कि दवाई लिखने के बाद नाराज मेडिकल संचालक अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा, जहां कहा सुने के बाद मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की। अब पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद के चलते युवक को पीटा गया। वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक है और दूसरा शख्स उसकी कॉलर पकड़कर पिटाई कर रहा है और मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। और इस वीडियो में एक महिला भी नजर आ रही है। वायरल वीडियो सिविल लाइंस का बताया जा रहा है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। दीपक नाम का माफिया तीसरी शादी करने जा रहा है, और इसने पहली शादी बांदा में की है, दूसरी बिहार के नवादा में की, और अब तीसरी शादी मुजफ्फरनगर में करने जा रहा है। अब दीपक की तीसरी शादी के बाद उसकी पहली और दूसरी पत्नी को पता चला तो उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई, बांदा में उसके खिलाफ शिकायत की, और उसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि बुजुर्ग अपने दामाद संजय से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था।
संजय अपने एक साथी के साथ ससुराल पहुंचा, गेट पर ही ससुर से बात करने लगा और थोड़ी देर में तमंचा चला दिया। मौके से फरार हो गया तो वहीं उसके दूसरे साथी को परिजनों ने पकड़ लिया, रस्सी से गेट पर बांध दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, केस दर्ज किया और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने लूट कांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूट के 2,00,000 रुपए बरामद किए गए। घटना 6 अप्रैल को बताई जा रही है, जहां यूनिवर्सिटी थाना इलाके के बालूघाट मोहल्ले में हथियार के दम पर एक कारोबारी से 8,00,000 की लूट को बदमाशों ने अंजाम दिया। एक हफ्ते के अंदर पुलिस ने मामले में 3 को गिरफ्तार किया। नकदी के साथ 4 मोबाइल, 2 बाइक भी जब्त की गई है। लूट की बाकी की रकम और वारदात में इस्तेमाल हथियार की तलाश जारी है। यूपी के एटा में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, जहां पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने एक तस्कर पूरन सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 33 अवैध तमंचे, 25 बने और 8 अधबने अवैध हथियार, भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। हथियार फैक्ट्री का खुलासा करने पर SSP ने टीम को 25,000 के नकद इनाम से सम्मानित किया। यूपी के जौनपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। जौनपुर वाराणसी हाईवे के किनारे करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को खाली कराया। बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए इलाके में हड़कंप मच गया, जहां डीएम के आदेश पर SDM ने राजस्व टीम और जलालपुर पुलिस टीम के साथ अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। सरकारी यहां पर देखा गया कि लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। यूपी के शाहजहांपुर में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा। निगोही इलाके में प्रसव के दौरान महिला और बच्चे की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया और शव को गेट पर रखकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, जिस पर परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की तो थोड़ी नोकझोंक देखने को मिली। हालांकि बाद में पुलिस ने मामला शांत करवाया और परिजन आरोपी डॉक्टर और स्टाफ के केस दर्ज करवाया। वहीं अयोध्या में रामनवमी के त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। रामनवमी के मौके पर रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें 4 मिनट तक तिलक करेंगी। इसको लेकर रामलला के परिसर में सूर्य तिलक का सफल परीक्षण किया गया। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूर्य तिलक मैकेनिज्म को तैयार किया। अब 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के दिन सूर्यदेव रामलला के ललाट की शोभा बढ़ाएंगे। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इसके लिए सूर्य की किरणों को 3 दर्पण के जरिए अलग अलग एंगल में डायवर्ट किया जाएगा, फिर इसे पीतल की पाइपों के जरिए आगे गुजारा जाएगा। और अब चलते हैं वायरल वर्ल्ड में, जहां सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी सवारियों को ढोने के लिए होती है, लेकिन जब इसे ट्रक बना दिया जाए तो जरा सोचिए कैसा नजारा होगा। देखिए इस वायरल रिपोर्ट में। तस्वीर में आप जो देख रहे हैं वो 100% सच है, और ये भी सच है कि ये कोई ट्रक नहीं बल्कि कार है। वो कार जिसे इस शख्स ने मॉडिफाई किया है, वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से। वो क्या है ना कि इस शख्स को अचानक